सो गाइस अभी हमने बुक किया है क्रूज़ का सफ़र, लगभग लगभग आई थिंक 3-3.5 घंटे हो गए। अब अपने पास कोई चारा नहीं है, ठंड बढ़ रही है तो हम लोग कॉफ़ी शॉप जाएंगे और कॉफ़ी पिएंगे। बिना कॉफ़ी पिए तो अभी कुछ हो नहीं सकता। लेट्स गो। एवरीथिंग वाज फाइन? यस यस, गुड। ओके सो नाउ वी गो टू सम कॉफ़ी शॉप नियर बाय so that we can drink and feel hot, because I feel cold, I don't have shirt. So Fatima, she's clever, she taking jacket with her. I am not clever, no problem, but anyway we will go now. That's why he tried to be with me, because obviously it will be easy for traveling and with clever. Okay, so this is the place and this is backside. ये देखो गाइस, तो गाइस यहाँ पर ऐसा होता है, सड़क पे भी लोग मतलब गाने बजाने लगते हैं। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जिसको कमाना होता है वो कहीं भी कमा सकता है। जो हम लोग अभी जो है बर्गर की में बर्गर खरीदने आए, तो यहाँ पर पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, चूज करो कार्ड टू ऐड और पेमेंट करो कार्ड के थ्रू, ऑर्डर बन जाता है। सो गाइज वेलकम बैक वापस से, और अभी मैं हूँ रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन का नाम क्या पहले मैं वो बता दूँ। तो अभी जो टाइम बज रहे हैं वो है 12:18, और रेलवे स्टेशन का नाम है मोस्कवा वोस्तोचनी। ये यहाँ से मैं सेंट पीटर्सबर्ग की ट्रेन ले रहा हूँ, अभी 1:03 पे आएगी और 1:18 पे मतलब यहाँ से रवाना होगी। ठीक है, और ये सुबह मेरे हिसाब से आई थिंक 11:40 सेंट पीटर्सबर्ग टाइम के हिसाब से पहुँचा देगा मेरे को। तो हाई स्पीड तो नहीं है बट ठीक है। दो टिकट की थी जो कि 3,600 रुपये के आसपास पड़े, तो आप उसके आधा करके देख सकते हो, 1,850 रुपये के आसपास पड़ा होगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको इस रेलवे स्टेशन की बात बताऊंगा। जो आप यहाँ देख रहे हो ना, बिल्कुल जस्ट ऊपर से ये देख पूरा ये, वो पूरा मतलब हीट सेंसर के साथ लगा हुआ है, चाहे वो भी हो, वो जस्ट वो ऊपर वाला भी है ना, वो भी पूरा हीट सेंसर मतलब हीट पूरा गर्म रखता है अंदर, सिर्फ यहाँ ठंड है, ये तो बाहर का है इसलिए। और बाकी स्टेशन देखो कितना साफ करो, कितना अच्छा है, एज यू कैन सी बहुत बढ़िया है स्टेशन। तो जैसे कि मैंने बोला था, आप टिकट चाहो तो ऑनलाइन भी ले सकते हो, जैसे tuttu.ru है, और दूसरा आप यहाँ पर स्टेशन आके भी ले सकते हो। बट यार ऑनलाइन लोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको पता होगी कौन सी क्या प्राइस पर मिल रही है। ठीक है, और बाकी मैं लिंक तो डाल दूंगा नीचे। तो अभी बहुत मौसम बहुत ठीक है, नॉर्मल ठंडा है, तो मैंने शर्ट तो पहना नहीं, ओनली स्वेटर पे ही। अभी वेट कर रहा हूँ भाई, ट्रेन आएगी फिर बैठूँगा अपने कोच पे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि कोच कैसा होगा, जब भाई आए हैं तो लेना पड़ेगा ना आनंद। और तब तक आप देखो कि कैसा है भाई यहाँ का रेलवे स्टेशन, बिल्कुल इंडिया की तरह ही मान लो यार, लेकिन साफ़ सफाई में तो अच्छा है ना भाई। So now we are going to the third TikTok account. No, I know. Before I had, but in India TikTok is banned already. TikTok banned. This software was very popular in your country. Yeah. So guys, अभी मैं जो है अपने compartment number 3 पे आ चुका हूँ, और इस बंदे ने thank you for helping me so much. Yeah, for make me understand how to go. So. अब ये जो सामने है इसी अपार्टमेंट, आई थिंक दैट वन इज माय, आई विल गो देयर। फोर, या दिस इज 4, ऐसे नंबर लिखा होता है, एंड दैट वन इज 3, आई विल गो दैट साइड। सो जस्ट वी आर गोइंग राइट नाउ, या सो दिस इज 3, आई थिंक दिस इज 3, वी शुड गो फ्रॉम हेयर नाउ। सो अब मैं यहाँ से मैं जाने वाला हूँ, या एंड व्हाट अबाउट योर फर्स्ट? First. Okay. So nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Bye. वैसे सामने की तरफ चेकिंग होती है सबकी टिकट और पासपोर्ट, जो मैम है मोहतरमा चेक कर रही है यहाँ पर। यहाँ पर ऐसे होता है भाई, देखो कैसा है यहाँ पर पूरा। खाने को अच्छी चीज़ें हैं, मैं खाऊंगा इसको। अब मेरी सीट ढूंढ लेता हूँ पहले तो। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं लगभग लगभग 8:30 बज रहे हैं, और मैं अभी ट्रेन में हूँ। रात को वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज सभी सो रहे थे, अभी भी नहीं बना पा रहा हूँ, सब सो रहे हैं। तो भाई
मज़ा आ गया भाई ट्रेन में। ठीक है, मैं अभी थोड़ा वो शॉर्ट्स दिखाऊंगा, बट शायद मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा मतलब बैकग्राउंड में वॉइस बाद में डाल दूंगा, अभी तो सिर्फ शायद शूट ही करूंगा नॉर्मली विदाउट वॉइस, अभी बाद में मैं इसमें वॉइस डाल दूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं कोई स्टेशन है पता नहीं, स्टेशन ही मान लो उतरा है यहाँ पर रुका हुआ है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे दिखता है इस साइड। ये देखो कितना हरा भरा, वाव कूल। तो गाइस मज़ा आ गया है, अपने इंडिया की तरह ही मैं मतलब गेट खोल के खड़ा हूँ, पता नहीं यहाँ पर अलाउड है कि नहीं। तो ये ट्रेन की टिकट मैंने आपको बता दी कितने की पड़ी, और 11:40 पे अराउंड सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचा देगी मुझे ये। सो ये जो आप देख रहे हो ये पानी गर्म करने का होता है जो पीने के लिए काम आता है, गर्म पानी ठंड। और ये बाहर का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था यार, बीच में जब जा रहा था मैं सेंट पीटर्सबर्ग, काफ़ी अच्छे बड़े पेड़ थे, गांव दिख रहे थे, मस्त लाइफ है, अलग ही है बिल्कुल, नेचर में ही मतलब गांव बने हुए जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। और अभी आप जो देख रहे हो यह कंपार्टमेंट ऐसा दिखता है मतलब अंदर से, तो यह बढ़िया था। सो गाइस अभी मैं टॉयलेट में हूँ आप देख सकते हो, और ये रशियन टॉयलेट है, यहाँ पर ये गर्म और ठंडा पानी दोनों आता है। ये मेरा फ़ोन है और ये बैठते हैं, ये टॉयलेट कवर आता है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो देखो ऐसे बैठाने लगाने के लिए। और यहाँ पर सिर्फ यही मिलता है भाई, आप जो बोलते हैं ना इंडिया में कि भाई मैं पानी से धोता हूँ, यहाँ पानी से नहीं सिर्फ इसी से आप साफ़ करना है आपको, और कुछ भी नहीं है। और ये फ्लश है, तो रशियन टॉयलेट्स कुछ ऐसे लगते हैं रशियन के ट्रेन की टॉयलेट्स। और ठीक है यार कम से कम ये तो है, एटलीस्ट आप खुशबूदार कर सकते हो। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन, और ये मेरी ट्रेन थी जो आप देख रहे हो सामने की तरफ। ठीक है, ये पूरी मेरी ट्रेन थी, मतलब मैं इसमें मैं बैठ गया हूँ। और अभी जो है मैं जा रहा हूँ बाहर स्टेशन से बाहर, तो देखूँगा मेट्रो से जाऊँ या मतलब टैक्सी से जाऊँ, तो बाहर जाने के बाद। मौसम तो बहुत बढ़िया है, सूरज बहुत उगा हुआ है आज, देखो आज का मौसम बहुत बढ़िया, मंडे है मुझे पता था ये। भाई अभी मैं मेट्रो मतलब ये रेलवे स्टेशन के पास आया हूँ, कितना अच्छा नज़ारा है आप देख सकते हो, बिल्कुल एकदम मस्त कूल। वो आपका भाई एकदम एंजॉय करने वाला है अभी, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एंजॉय डेफिनेटली करूँगा बहुत अच्छे तरीके से। जी देखो यहाँ पर अलग अलग टाइप के मतलब लोडिंग मशीन है, सेंट पीटर्सबर्ग में अलग है मॉस्को से, और जो कार्ड जो मॉस्को में ख़रीदा था वो वर्क नहीं करेगा, सेंट पीटर्सबर्ग का जो है मेट्रो कार्ड अलग रहता है। तो अभी मैं मेट्रो कार्ड और उसमें पैसे लोड करके ले जाऊँगा अंदर की तरफ। और एक और चीज़ ये है कि यहाँ मास्क पहनना ज़रूरी है सेंट पीटर्सबर्ग में, मॉस्को में ज़रूरत नहीं है बट यहाँ है। तो गाइस यहाँ पर दिक्कत हो रही है मेरे को, क्योंकि जब मैं मेट्रो अंदर घुस रहा था तो ये बैग टैग ही मारा, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है ना अंदर घुसने का वो अलग है, वो जो होता है ना लकड़ी वाला कि आपको आगे करना पड़ता है, तो वो वाला मतलब इधर था, तो मेरा बैग अगर अटक गया तो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो गई। बट एनीवे अभी मैं मतलब नीचे जा रहा हूँ, टनल बहुत बड़ा है, अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखो काफ़ी बड़ा टनल है। तो भाई मैंने एक मेट्रो स्टेशन गलत मतलब पहले उतर गया हूँ, तो अभी मैं सोच रहा हूँ फिर मैं नीचे जाने के लिए वापस पैसे लगेंगे, तो मैं अभी ऐसे भी 20 मिनट का रास्ता है, 2 किलोमीटर है, तो पैदल ही चलूँगा, फिर पहुँचेंगे हॉस्टल, फिर हॉस्टल में रखेंगे सामान, उसके बाद करेंगे बाकी का काम। अभी मैं शायद मास्क उतार सकता हूँ क्योंकि रेलवे स्टेशन में मतलब मेट्रो स्टेशन में अलाउड था मतलब मास्क पहनना ज़रूरी था। तो गाइस मैंने डिसाइड किया है कि टैक्सी में जाऊँ, बिकॉज यार थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो अभी मैं टैक्सी बुक कर रहा हूँ, तो 100 रुपये लग रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, 20 मिनट बच जाएंगे तो जाऊँगा आराम से, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा क्योंकि मेरे को नहीं लगता 20 मिनट तो लॉन्ग डिस्टेंस है, लग रहा है 20 मिनट लग गए, मुझे नहीं लगता इस बैग के साथ मैं जा पाऊँगा, तो मैं कार बुलाने पड़ता है, अभी मैं कार में जाऊँगा मतलब। और ध्यान रखना यांडेक्स टैक्सी ही बेस्ट है यहाँ पर, उबेर नहीं चलता, मेरा तो कभी उबेर नहीं चला, उबेर इंस्टॉल करने की कोशिश की तो यांडेक्स पे रिडायरेक्ट कर रहा है, तो यांडेक्स ही यूज़ करना तो ही बढ़िया रहेगा। और आके अगर रशियन बैंक अकाउंट खुलाओगे कार्ड मिलेगा तो आपका यांडेक्स में कार्ड भी लगेगा, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं, कार्ड से कट जाएगा, क्योंकि मेरा तो इंटरनेशनल कार्ड एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो शायद आपका हो जाए फॉरेक्स कार्ड, मेरे पास न्यू ग्लोबल कार्ड था। हेलो भाई साहब, मैं न्यू डे हॉस्टल में हूँ, तो यहाँ पर मुझे 1000 रुपये लग गए हैं 2 दिन के, ठीक है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर रिसिप्ट भी मिलता है, वाह पहली बार देखा हूँ कि ऐसे हॉस्टल में रिसिप्ट मिल रहा है, मुझे नहीं पता था कि
हॉस्टल में कभी रिसीव भी मिलता है। चलो अच्छा है, बढ़िया है। सो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ हॉस्टल में और पूरा हॉस्टल खाली है। आप देख सकते हो पूरा हॉस्टल खाली है भाई, मज़ा आ गया। मतलब यहाँ पर मैं ही रहने वाला हूँ इस वाले रूम में अभी तक, तो यही मेरे को लगता है। 2 दिन का 2000 रुपये रिसिप्ट भी मिला, जो कि अच्छा है। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस हॉस्टल में आपको किचन भी मिलेगा, हालांकि खुद ही धोना पड़ेगा प्लेट बना के, बट इट्स इंक्लूडेड इन इट, जो कि सबसे चीपेस्ट मेरे को लग रहा है सेंट पीटर्सबर्ग, क्योंकि इतनी महंगी सिटी है यार। फिर भी एनीवे, मॉस्को से तो महंगी नहीं, बट फिर भी महंगी है, लेकिन बहुत साफ है, क्लीन है, अच्छा है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा टूर दिखा देता हूँ इस हॉस्टल का। लगभग कोई नहीं है, सिर्फ मेरे को छोड़ के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखो, हाँ, दिस इज किचन, और ये दूसरे रूम में बड़ा टीवी है बहुत सारे, और ये आई थिंक बाथरूम है जितना मेरे को आइडिया, एंड दैट इज टॉयलेट। और ये एंट्रेंस है, इसके साथ की भी मिला था मुझे, तो ये यहाँ पर रख सकते हैं आप जूते। तो काफ़ी अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा। आई थिंक यू शुड स्टे इन दिस हॉस्टल, अगर आप इस हॉस्टल में आते हो एज अ ट्रैवलर या जो भी काम से, मतलब सेंट पीटर्सबर्ग में आते तो इस हॉस्टल में रहो न्यू डे, है ना। चलो ठीक है। सो गाइज, मैं अभी आ चुका हूँ अपने हॉस्टल के बाहर। अभी बज रहे हैं लगभग 3:50। तो अभी मैं क्या जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, एक तो सुपरमार्केट जाने की कोशिश करूँगा चीपेस्ट, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। और मेरा प्लान है कि कल शायद मैं जाऊँगा SBI बैंक में बैंक अकाउंट खुलाने। अभी तो नहीं, अभी तो पहले सुपरमार्केट देखूँगा। मेरे को एक बंदे ने बोला है कि दिक्सी बोल के जो है सुपरमार्केट, इसमें अच्छा प्राइस में मतलब मिलता है खाना, और फिक्स प्राइस बोल के भी है। तो देखते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग में, मॉस्को में भी है लेकिन मेरे को पता नहीं था। ठीक है, तो देखते हैं, अभी जा रहा हूँ उसी तरफ, यहाँ से 100 मीटर होगा मेरे यहाँ पर, तो वॉकिंग करके जाऊँगा, फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखो सामने मौसम बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी ठंड लग रही है मुझे, 19 डिग्री चल रहा है अभी फ़िलहाल। कुछ भी कहो, यहाँ के चर्चेस बहुत ख़तरनाक बनाते हैं यार ये लोग, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। सुना है कि सेंट पीटर्सबर्ग बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो तो बस बाद में ही पता चलेगा।